ट्रैकिंग एंड चैलेंज में आपका एक फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है कांडांगी। तो आज हम बात कर रहे हैं A3 पेपर को हम A4 में कैसे निकाल सकते हैं। हाँ जी, आज हम बात कर रहे हैं A3 वाला जो पेपर है इसको हम A4 में कैसे निकालें। काफ़ी आसान है, और इसके लिए या तो फिर आप इसको स्कैन करो अगर आपके पास छोटा प्रिंटर है, जैसे मेरे पास ये छोटे वाले प्रिंटर है, या फिर अगर आपके पास बड़ी वाली मशीन है उसमें कैसे निकालेंगे। तो आज मैं आपको इसमें करके बताऊंगा कि इसमें कैसे आप A3 का वाला पेपर कैसे निकाल सकते हो A4 में ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेगा A3 to A4 में इसकी फोटोकॉपी। तो देखिए, ये है वो एक A3 का पेपर है मेरे पास, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता हूँ A4 का कितना छोटा पेपर होता है। A3 का ये है, A4 का ये है, काफ़ी डिफरेंस है, आधा पेपर का डिफरेंस है। जैसे मतलब एक दो ऐसे लगाते हैं हम A4, तो A3 बनता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ साथ साथ ही। हमने दो पेपर उठा लिए, ऐसे हम दो पेपर लगाते हैं तो A3 पेपर बनता है। तो आज हम इसको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप A3 to A4 निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास A4 A3 का पेपर है बड़ा सा, ये यहाँ पर रखेंगे मशीन पे पूरी। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये देखिए पूरा सेट हो चुका है और काफ़ी आसान है। और इसमें इनबिल्ट सेटिंग्स है कि आप बस दो क्लिक करने हैं, आपका जो है A3 to A4 निकल जाएगा पेपर। ये देखिए मशीन मेरे पास वही है IR2525। तो यहाँ से आप सबसे पहले जाओगे इस पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है ये 100% पे, जो आपका वाला कॉपी रेशियो, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 70 A3 to A4। ये देखिए यहाँ पे एक बार हटाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ लिखा है, ये रहा A3 to A4। इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे हम डन, 70% पे आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A3 to A4। अब जैसे ही मैं इसको बटन दबाता हूँ, जैसे ही यहाँ से मैं उसको करता हूँ क्लिक, आपको अंदर लाइट दिखेगी, पता भी चल जाएगा आपकी जो है हो रही है नहीं हो रही स्कैनिंग। तो ये देखिए ये वहाँ तक गई, और ये देखिए लास्ट तक ये पूरी गई है। तो इससे पता चल जाता है हाँ भाई, A3 की जो है स्कैनिंग जो पूरी हो चुकी है, यहाँ तक आई है लास्ट तक। तो इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं A3 to A4 में आई या नहीं आई। तो ये निकल के आ चुका है हमारे पास, और ये देखिए काफ़ी परफेक्ट आई है। मैं यहाँ पर यहाँ रख के दिखाता भी हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो आप इस तरह से A3 to A4 का साइज़ आप निकाल सकते हो अपनी मशीन में काफ़ी आराम से। आपको ना कोई स्कैन करने की ज़रूरत पड़ेगी ना कुछ, बस पेपर रखा और इस तरह से आप स्कैन कर सकते हो और कॉपी निकाल सकते हो, फोटो कॉपी कितनी भी। ऐसे ही सेम आप ऊपर भी कर सकते हो ADF में, जैसे आप यहाँ पे इस पे रखोगे A3 का पेपर, ये आपने यहाँ पे रख दिया। ओके, मशीन वही हमारी सेट है 70 पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे हमने पूरा रख दिया है। अब मैं फिर से एक बार इस पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर से स्कैन होके आएगी, ये देखिए यहाँ से। तो ये देखिए पूरी यहाँ पे स्कैन होके नीचे से निकल जाएगी। और आप इसको चाहते हो कि भाई ये आपके पीछे का भी हिस्सा इस पर प्रिंट हो जाए, तो आप इस पर डबल साइड का भी क्लिक कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ से निकल के आएगी इधर, वो देखिए निकल के आ गई है। और अब हम चेक करते हैं कैसी आई है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरह आई है और काफ़ी अच्छी लग रही है, क्वालिटी प्रिंटिंग काफ़ी अच्छी है कैनन की। तो ये देखिए यहाँ से आप, हमने एक तो ग्लास पे रखी की है, दूसरी हमने करी है नीचे की साइड। तो देखिए डिफरेंस सबका एक जैसा ही है क्वालिटी। और ये देखिए A3 to A4 इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आपने देखा कि हम कैसे A3 to A4 में कैसे आप फोटोकॉपी इसको निकाल सकते हो, ऊपर करके स्कैन करके भी आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया पूरा पेपर चला जाता है, स्कैन हो जाता है। अगर डबल साइड हो तो आप टू साइड उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, वो आपके आराम से हो जाएगी और काफ़ी आसानी है, दो क्लिक में ही आपका हो जाता है इसमें A3 से A4 पे फोटोकॉपी। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और आपको और कोई क्वेश्चन मशीन के रिगार्डिंग तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।